नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। आइए दिखाते हैं लखनऊ के माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली को, जानते हैं कुछ लोगों से बात करके। आपका परिचय? मैं चाँद मोहम्मद, राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। जी। और यह महारैली बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वावन मेस्ताम साहब के नेतृत्व में आयोजित की गई है, और इसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय सरपरस्त हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की आमद और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हजरत मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तमाम मुसलमान भाई भी आज की इस महारैली का हिस्सा है। और इस रैली का हिस्सा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बनने का असल वजह है कि इस देश के दबे कुचले ओबीसी एससी एसटी के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने की एक बड़ी कोशिश माननीय वावन मेस्ताम साहब के जरिए शुरू की गई है। तो इस मुल्क में इत्तेहाद की बुनियाद पर हम जालिमों के जुल्म को खत्म करके भारत में इंसाफ का निज़ाम कायम करने की एक जो क़यादत शुरू की है माननीय वावन मेस्ताम साहब और हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और अब्दुल हमीद अजहरी साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब, उस कड़ी का, उस परिवर्तनवादी कड़ी का हम लोग हिस्सा है। और ये आज के इस महारैली में हमारे तमाम कौमी भाई जो शरीक हैं उनको इस बात का बेहद फख्र है कि इतनी बड़ी आबादी आज मुत्तहिद होने जा रही है, जो इस्लाम और मुसलमानों को लेकर जो उनके अंदर गलतफहमियां पैदा की गई है उन गलतफहमियों को दूर करने का एक बहुत बड़ा मंच है बहुजन क्रांति मोर्चा। और लगातार मुसलसल तौर पे मुसलमानों के हक और हकूक और उनके बुनियादी मुद्दों को पूरे मुल्क में राष्ट्रीय स्तर पे अगर उठाने का कोई प्लेटफॉर्म काम कर रहा है तो बहुजन क्रांति मोर्चा है। इसलिए हमारे कौमी भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ इस माता रमाबाई मैदान से कि वे बड़े पैमाने पे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में इत्तेहाद पैदा करने का जो प्लेटफॉर्म बहुजन क्रांति मोर्चा का खड़ा किया गया है, इस बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ जुड़कर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी में इत्तेहाद पैदा करे और मजलूमों के हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। बहुत बढ़िया, जिस हिसाब ने कहा कि सारे लोग इत्तेहाद होके इस काम को कर सकते हैं, तो इत्तेहाद जब पब्लिक होगी ये मुमकिन है या आप जो नेता लोग हैं हर एक पार्टी में है एक से बढ़ के एक पोस्ट पे है उनका होना जरूरी है? इत्तेहाद पैदा करने की जो बुनियादी सीढ़ी है, जो रास्ता है, वो है हमारे आपके नजरियात मिलने चाहिए, सोच मिलने चाहिए, ख्यालात मिलने चाहिए, विचार मिलने चाहिए। और भारत में हम एक ऐसे सफर से गुजर रहे हैं, एक तरफ गैर बराबरी की विचारधारा है और दूसरी तरफ मसावात के मानने वाले लोगों की विचारधारा है। और आज मसावात के मानने वाले लोगों की विचारधारा की सरपरस्ती अगर भारत में कोई कर रहा है तो माननीय वावन मेस्ताम साहब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर गैर बराबरी की विचारधारा का कोई सरपरस्ती और सरदारी करने वाला शख्स है तो राष्ट्रीय सुलभ शौचालय नाम की एक फैक्ट्री है, उसका मालिक मोहन भागवत है, उसके जरिए पूरे भारत में नफरत की गंदगी फैलाई जा रही है। तो हम इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ने के लिए और इत्तेहाद जो पहली सीढ़ी है तो इत्तेहाद के लिए हम सभी का सोच और दिल मिलना जरूरी है, विचार मिलना जरूरी है। आज अगर विचार हमारे आपके एक नहीं होते तो हम एक साथ इतने तादाद में यहाँ खड़े नहीं होते। ये सबसे मजबूत कड़ी है इंसानों को जोड़ने का, क्योंकि हम लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकोल का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक को जोड़ने के लिए फेविकिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंसानों को जोड़ने का एक तरीका है, वो आइडियोलॉजी है, वो विचारधारा है, वो नजरियात है। हम इसका इस्तेमाल करके एक दूसरे को जोड़ सकते हैं, और वो जोड़ने का ये निज़ाम आपको दिख रहा है कि पूरा माता रमाबाई का मैदान जनसैलाब से भरा पड़ा है। तो ये इस बात की गवाही दे रहा है कि ये आने वाले समय में जुल्म और जो है जालिमों के निज़ाम को खत्म करने के लिए जो बड़ी कोशिश है वो मुकाम तक पहुँचेगी। धन्यवाद। इस्लाम अंसारी, कैमरामैन सुधांशु के साथ। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।